जय श्री महाकाल। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन शाहनवाज खान के बारे में लोगों को यह लग रहा था कि शाहनवाज खान अब शांत हो चुका है, अब शाहनवाज खान सुधर चुका है। दरअसल बता दूं कि दुर्लभ कश्यप के साथ शाहनवाज खान ने जो करा, या फिर केवल शाहनवाज खान ही नहीं कह सकते हो बल्कि पूरा केकेसी गैंग, जिसने दुर्लभ कश्यप को इस दुनिया से उठा दिया। लेकिन उसके बाद दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद बताया जाता है कि शाहनवाज खान जो कि थोड़ा बहुत शांत हो गया था, हाँ थोड़ा बहुत उज्जैन में अपना दादागिरी वो दिखाने का प्रयास करा, लेकिन लोग उसको उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे। उसके बाद से शाहनवाज खान जो कि शांत हो गया, लेकिन हाल ही में शाहनवाज खान से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है जिस घटना को सुनने के बाद आप भी कहोगे कि कहीं ना कहीं शाहनवाज खान जो कि अब एक्टिव हो चुका है। दरअसल बता दूं कि शाहनवाज खान के बारे में बताया जाता है कि जब उसकी बहन की शादी हुई तो उसके बाद से शाहनवाज खान जो कि अपने घर में ही रहता था और ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहता था। लेकिन बताया जाता है कि हाल ही में शाहनवाज खान ने एक पोस्ट अपलोड करा था जिसके माध्यम से उसने लोगों को खबर दिया था कि अब शाहनवाज खान जो कि बहुत जल्द वापसी कर रहा है। दरअसल बता दूं कि शाहनवाज खान जो कि उज्जैन में गुंडागर्दी तो करता ही था, साथ ही साथ शाहनवाज खान जब से दुर्लभ कश्यप को इस दुनिया से उठाया उसके बाद से शाहनवाज खान खुद को और भी ज़्यादा बड़ा समझने लगा और उसके बाद से शाहनवाज खान को घमंड भी हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि शाहनवाज खान जो कि शांति से तो था, लेकिन हाल ही में बताया जाता है कि उज्जैन के जीवाजीगंज थाने क्षेत्र में 1 मई 2022 को दुर्लभ कश्यप गैंग का एक अहम हिस्सा अभिषेक मारू को गोली मार दिया। बताया जाता है कि जिस वक्त उसने गोली मारा उस वक्त आसपास में कोई भी व्यक्ति नहीं था, जिस वजह से शाहनवाज खान का वहां कोई भी सबूत तो छूटा नहीं। बाद में बताया जाता है जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के पुलिस वाले जब तक में वहां पहुंचे तब तक में कोई सबूत बचा ही नहीं था और बताया जाता है कि अभिषेक मारू को हॉस्पिटल ले गया और उसके बाद जब उसका जाँच करा गया तो बताया जाता है कि उसे गोली तो लगा ही नहीं था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़के हो या फिर केकेसी गैंग के लड़के हो, अक्सर ये लोग गोली का प्रयोग नहीं करता है, ये लोग अक्सर चाकू का प्रयोग करता है। क्योंकि आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप के साथ जो करा गया था वो भी चाकू से ही करा गया था और बाद में शाहनवाज खान के गैंग के लड़कों द्वारा हाल ही में जो करा गया है तो मुझे लगता है कि यहाँ भी चाकूबाजी ही चला था। देखो कहीं ना कहीं अभिषेक मारू के साथ जो इन लोगों ने करा और कोई भी सबूत नहीं छोड़ा तो बहुत लोग कहते हैं कि शाहनवाज खान जेल क्यों नहीं जाता है। देखो यार, शाहनवाज खान जेल इसलिए नहीं जाता है क्योंकि ये हमेशा अपना सबूत नहीं छोड़ता और ये दिमाग का बड़ा ही शातिर है। वैसे मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसने जो करा वो बिल्कुल गलत है और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको बता दूं कि आज के समय में ये जो गैंगबाजी वाला काम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़कों के लिए ये एक चुनौती है शाहनवाज खान के लिए। वैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का कहीं भी आपराधिक काम हो, लेकिन जिस तरह से शाहनवाज खान ने उन लोगों को न्योता दिया है तो अब मुझे नहीं लगता है कि दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़के जो कि शांत बैठने वाले हैं। अब इससे जुड़ी एक और खबर आपको दे दूं। बताया जाता है कि जब अभिषेक मारू के ऊपर हमला करा गया और उसके बाद जब उसके परिजन थाना पहुंचते हैं और जब शिकायत दर्ज करवाने का कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले इनकार कर देते हैं। बोलते हैं कि मैं कोई भी शिकायत नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। आपको बता दूं कि शाहनवाज खान जो कि पहले भी यदि कई सारा काम करा तो वो कहीं भी सबूत नहीं छोड़ा और यदि बाद में भी उसने कोई आपराधिक काम करा है तो उसके बावजूद भी उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। देखो, आपराधिक काम करने के बावजूद भी शाहनवाज खान सबूत नहीं छोड़ता और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि शाहनवाज खान हमेशा चाहता है कि मैं कभी भी गिरफ्तार ना होऊं। बता दूं कि शाहनवाज खान जो कि आज के समय में अपना दिमाग तो लगा ही रहा है और अब लगता है कि शाहनवाज खान जो कि सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि शाहनवाज खान के खिलाफ अब तो थाने में शिकायत दर्ज हो चुका है। अब आगे क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताना। आपको क्या लगता है कि शाहनवाज खान से बदला लेगा दुर्लभ कश्यप टीम का लड़का? वैसे मैं नहीं चाहता हूं कि यह अदला बदला वाला काम हो, लेकिन वैसे आपका क्या कहना है आप बताओ। और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के बाद कुछ भी गलत सीख मत लेना, वीडियो को देखो, एंजॉय करो, कुछ अच्छा चीज़ सीखो। बस आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखना।